वापसी ने डेट जो है 4 अक्टूबर कर दी है। वी होप कि कोर के द्वारा कोर कंस्ट्रक्ट प्रोग्राम दिया गया था, प्रीलिम्स और मेंस को कंबाइन करते हुए आप लोग फॉलो कर रहे होंगे। उसमें जो आंसर प्राप्त हो रहे हैं उसमें देखने को मिल रहा है कि कई लोगों को क्वेश्चन की डिमांड ही नहीं पता है, वह राइटिंग कर रहे हैं, आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं। उसके बारे में हम कभी और से जो है चर्चा करेंगे। आज हम देखेंगे जो है प्रीलिम्स के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मई में खबरों में रहा है, और मई से अक्टूबर का जो करंट अफेयर्स है वह भी द कोर के प्लेटफॉर्म पर जो है चालू हो चुका है, लाइव भी तथा रिकॉर्डेड फॉर्म में भी, और सबको मैसेज भी चला गया है। नेक्स्ट क्लास जो है उसकी अब सैटरडे को होनी है सुबह 8:30 बजे। उसी क्लास से एक टॉपिक है, जैसे द कोर की ऑफलाइन क्लासेस में शीट दी जाती है, जिस शीट को टेलीग्राम पर भी फ्लोट किया गया था, जिसमें इधर प्रीलिम्स इधर मेंस और क्लास में ही जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उसी फॉर्म में जो है वो क्लासेस चल रही है। उसी क्लास से एक टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, जिसे आज हम डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक का नाम जो है वह है नॉक्टिलिका। नॉक्टिलिका, नॉक्टिलिका जो है यह खबरों में है क्योंकि अरेबियन सागर, अरब सागर पर इसका खतरा मंडराता जा रहा है, और यह 2014 में भी खबरों में था और अभी वर्तमान में भी खबरों में था, जिसे एलाइनमेंट ने कवर किया है। नॉक्टिलिका, जिसे फुल फॉर्म में कहते हैं नॉक्टिलुका सेंटिलेंस, यह जो है अभी का ब्लूम हो रहा है, बहुत ज्यादा संख्या में यह अरब सागर में बढ़ रहा है, और जिसके कारण वहां अरब सागर की जो कोस्टल कम्युनिटी है उसको नुकसान हो रहा है, तथा इकोनॉमिक तौर पर भी ऑयल रिफाइनरीज, डीसेलिनाइजेशन प्लांट, इन सब यह खतरा पहुंचा रहा है। तो इसके बारे में जानते हैं पूरा, क्योंकि यूपीएससी जो है वह केवल एक एस्पेक्ट नॉक्टिलुका पर नहीं पूछेगा कि अरब सागर पर खतरा कैसे, यूपीएससी उसके चारों ओर डिटेल एस्पेक्ट में जो है क्वेश्चन पूछेगा, जहां हमें अपने बेसिक पार्ट से भी जो है कवर करना होगा, क्योंकि यूपीएससी जो है कोर रिलेटेड करंट पूछता है, जो द कोर के जो है करंट अफेयर्स क्लासेस में जिस तरह करवाया जाता है। नॉक्टिलुका सेंटिलेंस जो है यह एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डायनो फ्लैगलेट जो समूह है उससे संबंध रखता है। यह शैवाल अल्गी नहीं है, कुछ लोग इसको शैवाल बोल देते हैं। यह हिट्रोट्रॉफ्स है, मींस अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं, अपितु अन्य ऑर्गेनिज्म जो है जिसे डायटम, जो सिलिका की मॉर्फोलॉजी से बना होता है, वह इसका मुख्य भोजन है। परंतु यह स्वयं लोअर ऑर्डर जो जीव जंतु हैं उनका भोजन नहीं है, अपितु हायर ऑर्डर फिश वगैरह इनका भोजन है। तो इसका भक्षण जो है जो अन्य जीव जो है वह कम है, तो इसको ग्रोथ का जो है एस्पेक्ट इसका ज्यादा होता है, और लोअर ऑर्डर एनिमल के द्वारा यह नहीं खाया जाता है। इसकी अगर जो है देखें तो यह इस तरह का जो है दिखता है। यह एक यूकैरियोट है, यूकैरियोट न्यूक्लियस और जिसके चारों ओर मेम्ब्रेन होती है। यह जो है इसमें बायोल्यूमिनेंस जैविक प्रतिद्युप्ति की जो है प्रॉपर्टी होती है, जिसका कारण क्या होता है, जिसका कारण जो है दो प्रोटीन लुसिफेरिन और लुसिफेरेज, जो एक दो साल से इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने इस प्रोटीन का नाम पढ़ा होगा, क्योंकि इन्हीं प्रोटीन के द्वारा वैज्ञानिकों ने उन पौधों का निर्माण किया है जो डेकोरेशन में यूज होते हैं, जो बिना इलेक्ट्रिसिटी दिए हुए स्वयं जो है इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं, रोशनी करते हैं, लुसिफेरिन लुसिफेरेज। यह एस्पेक्ट जो है
वह कहीं ना कहीं मेंस में जो है यूज हो सकता है। तो यह है प्रोटीन है लूसिफेरिन और लूसिफेरिज, जिसकी वजह से इसमें प्रतिदीप्ति है, परंतु तो ये प्रतिदीप्ति तब दिखाता है जब इसको संभावित कोई खतरा होता है। तो और इसी कारण इसे सी टर्टल, सी स्पार्कल भी बोलते हैं। तो यह है सी स्पार्कल के नाम से भी जो है जाना जाता है नॉक्टिलुका। अब ये नॉक्टिलुका जो है बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इसका ब्लूम हो रहा है। अब यहां ब्लूम हो रहा है, ब्लूम मीन्स बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो करना। अभी जब इसका ग्रो हो रहा है तो यह है कोई टॉक्सिन विषैला पदार्थ जो है उत्सर्जित नहीं करता है, क्योंकि ब्लूम पड़ते ही हमें तुरंत क्लिक हो गया एग्जाम में अल्गल ब्लूम, शैवाल का अधिक मात्रा में बढ़ना। तो वह अल्गल ब्लूम में फिर हमें, अगर हमारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, तो अल्गल ब्लूम में हम हमेशा सोचेंगे अल्गल ब्लूम मीन्स कोई टॉक्सिन का उत्सर्जन, परंतु हर अल्गल ब्लूम जो है हानिकारक नहीं होता है। वो अल्गल ब्लूम जो टॉक्सिन का उत्सर्जन करते हैं उन्हें हार्मफुल अल्गल ब्लूम बोलते हैं, जो द कोर के एनवायरमेंट क्लास नोट्स में जो है करवाया गया है, और 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है केमिस्ट्री, जिसमें पोल्यूशन का चैप्टर है, वहां इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और यही हार्मफुल अल्गल ब्लूम को कई लोग रेड टाइड बोलते हैं, जिस कारण समुद्र की जो पारिस्थितिकी है इसमें बहुत ज्यादा मोर्टिलिटी जो है वह होती है, सामुद्रिक परिस्थिति को नुकसान होता है। तो इसमें एक यह याद रखना है, नॉक्टिलुका ब्लूम जो है वह अल्गल ब्लूम नहीं है, परंतु और अल्गल ब्लूम फिर हमें एक अलग से कंसेप्ट पढ़ना है। नॉक्टिलुका ब्लूम में जो है वहां विषैला पदार्थ उत्सर्जित न होकर ये अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, और ज्यादा अमोनिया जो है वह फिशिंग तथा अन्य जीव जंतुओं के लिए जो है लाभदायक नहीं है, वह उनको नुकसान पहुंचाती है। तो यह अमोनिया का जो उत्सर्जन करते हैं उसकी वजह से जो है सामुद्रिक पारिस्थितिकी को जो है नुकसान पहुंचता है, और इस तरह वह इकोलॉजी को प्रभावित करते हैं। और यही कारण है कि यह कोस्टल जो इकोनॉमी है, जो फिशिंग तथा अन्य रिसोर्सेस पर आधारित है, उसके लिए खतरा है। यह नॉक्टिलुका ब्लूम जो है वह केवल अरेबियन सागर में नहीं, परंतु बंगाल की खाड़ी में भी जो है एक खतरा है। अब यह नॉक्टिलुका की जो प्रेजेंस है वो केवल और केवल ट्रॉपिकल वाटर में नहीं है, यह ठंडे पानी और गर्म पानी दोनों में जो है विद्यमान है, परंतु मुख्यतः यह कोस्टल इलाकों में जो है मिलते हैं। अब यहां पर यह पूरी समझ होने के बाद जो यूपीएससी केवल नॉक्टिकला के ऊपर नहीं पूछेगा, हो सकता है कि क्वेश्चन एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क पर हो, सी पोल्यूशन पर हो और नॉक्टिलुका पर एक पॉइंट हो, या हो सकता है कि क्वेश्चन अल्गल ब्लूम पर हो और नॉक्टिलुका एक पॉइंट हो। ऐसे ही मेंस में भी जो है यूपीएससी केवल और केवल नॉक्टिलुका को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन का जो उसका एस्पेक्ट होगा पूछने का वह एस्पेक्ट होगा कि वह सी पोल्यूशन पूछेगा, तो अभ्यर्थी से एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वह इनोवेटिव होते हुए जो पॉइंट्स उसने पढ़े हैं उनको जो है आंसर में लिखे। वहां पर जो है आपसे अपेक्षा की जाती है कि नॉक्टिलुका को आप लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम पढ़ने के लिए हमें एग्जाम की समझ होनी चाहिए, प्रैक्टिस हमें करनी है, परंतु वह डेलिब्रेट प्रैक्टिस होनी चाहिए, वह राइट डायरेक्शन में जो है प्रैक्टिस होनी चाहिए। वह राइट डायरेक्शन में प्रैक्टिस नहीं है, उसी के कारण जो है हम एग्जाम को जो है मिस कर जाते हैं, वह राइट प्रैक्टिस हमें करनी है। अब इस पर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन है निम्नलिखित जो है स्थितियों और विशेषताओं पर विचार कीजिए। फर्स्ट, समुद्र में अधिक पोषक तत्व, मोर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सेकेंड, काम सी शांत समुद्र। थर्ड, हाई सेलिनिटी। हाई सेलिनिटी, उपरोक्त में से कौन सी परिस्थितियां अल्गल ब्लूम को जो है जन्म दे सकती है? ऑप्शन है एक, दो तीन, दो तीन, एक दो,
एक तीन, ये सेट ए है, सेट बी है, एक दो, दो तीन, दो केवल तीन। अगर क्योंकि हमें क्लास में यह भी सीखना होता है कि एग्जाम में हमें किस जो है फ्रेमवर्क से, एटीट्यूड से क्वेश्चन करना है। अगर सेट ए आता है और आपने अल्गर ब्लूम के बारे में नहीं पढ़ा, कुछ ही तथ्य आपको मालूम है, तो आप सेट ए का अगर ऑप्शन आता है तो आप ऑप्शन को जो लीव करेंगे। अगर ऑप्शन बी है तो वहां आपको तुरंत आंसर जो है मिल जाएगा, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की मात्रा जो है वह अल्गल ब्लूम को जो है बढ़ाती ही बढ़ाती है। जो दो ऑप्शन थे काम सी और हाई सलिनिटी, उसमें आपको कंफ्यूजन होना था। अगर काम सी है तो मिक्सिंग नहीं होगी, मिक्सिंग नहीं होगी तो जो है ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, ज्यादा स्टेबिलिटी होगी तो वहां पर और ज्यादा अल्गल ब्लूम होंगे। तो इस तरह आप सोच सकते हो, परंतु आपको दो नहीं भी पता है, एक पता है तो इससे भी जो है आपका आंसर हो जाएगा। तीन जो है वह गलत है, क्योंकि उसके लिए लो सेलिनिटी है तो अल्गल ब्लूम ज्यादा होता है बजाय कि हाई सेलिनिटी में। तो इस तरह आपको अपेक्षा की जाती है कि आप इस तरह जो है सोचें, और यह सोचना जो है एक दिन का गेम नहीं है, उसके लिए लगातार जो है प्रैक्टिस करना होता है, जो हिंदू क्लास में करवाया जाता है। तो यह नॉकलू का इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको करना है। ऐसे ही शीट में एक बोबल एक्सपेरिमेंट है, वह भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कभी भी यूपीएससी पूछ सकता है, जिसमें केवल और केवल बोबल में बता देता हूँ लाइनर, यूके और इंडिया का संयुक्त जो है रिसर्च है बे ऑफ बंगाल से कैसे मानसून पर असर पड़ता है। परंतु यूपीएससी यहाँ नहीं पूछेगा, इसके पीछे का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, वहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो हम जो है क्लासेस में करेंगे। थैंक यू।